दलित परिवार के उत्पीड़न पर आज कलेक्ट्रेट में हंगामा। मध्य प्रदेश के गुना के जगनपुर चक में दलित परिवार के साथ घटित उत्पीड़न की घटना को लेकर राजनीतिक पार्टियों में रोष व्याप्त है। आज कलेक्ट्रेट में भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी के साथ दिन भर हंगामे की स्थिति बनी रही। कांग्रेस पार्टी ने घटना की जांच कमेटी बनाई है। दलित परिवार की सहायता के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विभव पटेल ने 1.5 लाख रुपए देते हुए घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी दहन किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने घटना पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपा। हरिवार समाज संघ व बहुजन समाज पार्टी ने भी पीड़ित राजकुमार रविवार को पुलिस द्वारा जेसीबी से उजाड़ी गई फसल का उचित मुआवजा के साथ जमीन का पट्टा उसके परिवार को देने व दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि विगत 14 जुलाई को जिले के आला अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने गई थी। बता दें कि उक्त जमीन पर गब्बू पारदी ने कब्जा कर रखा था, जिसके कारण कॉलेज निर्माण में दिक्कत आ रही थी। राजकुमार अहिवार का परिवार उस जमीन पर बटिया से खेती कर रहा था। राजकुमार की खड़ी फसल उजाड़ कर पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करते हुए राजकुमार व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, तो दोनों ने मौके पर कीटनाशक जहर पी लिया। पुलिस ने गंभीर हालत में ले जाकर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। शिवराज सरकार ने मामले को संज्ञान लेते हुए तुरंत कलेक्टर एस विश्वनाथन व एसपी तरुण नायक को तबादला कर दिया है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये घटना होती है पूरे आत्मविश्वास के साथ उन लोगों के साथ खड़े और ये सरकार जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करती है, उसको भी आत्महत्या के लिए उसको मजबूर होना पड़ा और उन्होंने यार कीटनाशक दवाई जो भी होगी और उसको पीने के बावजूद भी बच्चे उसके सारे बलख रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ। जो उन्हों पर जो राजकुमार अहिवार उसकी पत्नी सावित्री बाई और भाई शिशुपाल जब उन पर बलवत्तापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा, जब वो निवेदन कर रहे हैं दलित परिवार का व्यक्ति है, ये दलित परिवार का ही, इनका कुछ नहीं कर सकता, इस समझ से ये जानते हुए उन्होंने एक राय होकर के लाठियों से इनके ऊपर हमला किया है। हमला करने के बाद इन लोगों की बेइज्जती की है और बेइज्जती करके इन लोगों को खींचा है, जानवरता के तरीके से इन्होंने व्यवहार किया है। तो हम ये चाहते हैं कि 23 पटवारी और ब्लाउज फाड़ा इसको लेकर के भी, और आज ये नेशनल न्यूज बन चुका है, एसपी और कलेक्टर को हटा करके इस बात को दबाने की कोशिश की जाना कि कुछ नहीं हुआ है, उल्टे उस परिवार के 8 लोगों के ऊपर FIR। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलो तो बंद करो, बंद करो इसकी गुंडागर्दी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी इसकी गुंडागर्दी। नहीं चलो, बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस नेता आए, पूर्व महापौर विभव पटेल जी आएंगे, 1.5 लाख रुपया उस परिवार को, ये तुम संभाल के रखना, उसको दे देना। उस परिवार को 1.5 लाख रुपया पूर्व महापौर भोपाल के विभव पटेल जी दे रहे हैं, ये कर्जा पटाने के लिए। देखिए आप कमलनाथ जी, कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने इसी को लेकर हमारे हीराला जी अहिवार के मुखे है, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे कृपया यहाँ पर जमा करने का स्वयं। सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। चार महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति अन्याय कर रहा हो उन्हें ना तो शासन को संरक्षण देना चाहिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी। तो मैडम सीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं इसमें। देखिए जांच का आदेश किस लिए दिया जा रहा है, केवल दोषियों को बचाने के लिए? हमारा ये मानना है कौन प्रत्यक्षदर्शी जो है उनसे आप बात करिए, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तत्काल कार्रवाई करिए, उसके बाद जांच करिए। आप उल्टा काम कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं कि जांच की जाएगी, मतलब आप दोषियों को बचाने के लिए सबूत मिटाने के लिए समय चाह रहे हैं, तो ये किस तरह का शासन प्रदेश में चल रहा है? नहीं, सीएम ने कहा है कि इन दोषियों को कार्रवाई होगी। देखिए हमने सीएम को बहुत बार देखा है, कभी सीएम कहते थे मैं उल्टा लटका दूंगा, कभी ये कहते थे कि हम डंडा लेके निकले हैं। देखिए इन सब बातों से काम नहीं चलना, आज जनता ये बातों से परेशान हो चुकी है, जनता एक काम चाहती है, नतीजा चाहती है, और इसीलिए जनता ने इन्हें उखाड़ फेंका था। ये तो इन्होंने जिस तरह से जनमत का अनाप
इन्होंने अपहरण किया है ये उसको, और उस अपहरण के बाद आज ये इस तरह का फिर से शासन प्रदेश में लागू हो गया। हम लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का स्पष्ट मानना है कि अन्याय हम किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दलितों पर बर्बरता हुई है और उसमें सबसे विडम्बना वाली बात यह है कि उस परिवार की FIR नहीं लिखी जा रही। एक और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम न्याय करेंगे, लेकिन न्याय की जो पहली सीढ़ी है FIR दर्ज होना, वो नहीं किया जा रहा है। उस किसान परिवार को इतना मजबूर कर दिया गया कि वो जहर पीने पर बाध्य हो गया। तो ये पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ी है, और हम लोग आज यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी बनके सामने आए और उस आवाज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें ना तो हम किसी राजनीतिक तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन दोषियों को बचाने के लिए जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, वो सरासर अन्याय है, क्योंकि जांच करने की आड़ में सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर आप मौके पर देखिए, न केवल उस किसान को मारा गया बल्कि उसकी पत्नी के साथ, उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, और वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसकी FIR यदि लिखी जाती है तो सीधे सीधे हरिजन एक्ट के तहत कार्रवाई होती और जो दोषी है उन पर अभी तक कार्रवाई भी हो गई होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये ज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन और प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो गरीबों के ऊपर प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके आम जन के संवैधानिक हक का दमन कर रही है, ऐसी हजारों घटनाएं मध्य प्रदेश में घट रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हड्डी मिल से लगा हुआ जगनपुर चक है। प्रशासन के नेतृत्व में दलित परिवार जो बटाईदार किसान था उसकी जमीन को नेस्तनाबूत करते हुए, उसकी फसल को उजाड़ते हुए उस परिवार के ऊपर तहसीलदार, थाना प्रभारी कैंट में पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचे और उन्होंने राजकुमार अहरवार, सावित्रीबाई और सुषमा अहरवार पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। उनको मासूम बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने आहत होकर जहरीला पदार्थ पी लिया जिससे वो मरणासन्न हालत में गिर पड़े। बच्चे बिलखते रहे पर पुलिस को जरा भी दया नहीं आई, प्रशासन को जरा भी दया नहीं आई, और निर्ममतापूर्वक सर्वनाश ऐसी घटना इस मध्य प्रदेश के। आप लोग क्या मांग है? मांग ये है कि जो परिवार है, जिस परिवार ने हम गुनाह की समस्या को देने आए ज्ञापन, क्योंकि शासन प्रशासन में वहाँ पर जो है ना बहुत अनुसूचित जाति के परिवार अहरवार समाज के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार किया है ना, न कोई चेतावनी न कोई बना करके उनकी ज़मीन, उन्होंने सिर्फ 4 से 5 महीने का टाइम मांगा था। अगर आपको ज़मीन को पॉलिस के लिए अधिग्रहण करना भी है तो हमारी फसल काटे ना, तो क्योंकि हमने 2 लाख रुपये कर्ज लेकर के फसल बोई थी, ऐसा इस परिवार का कहना था। इसके बाद भी वहाँ शासन प्रशासन लोगों ने नहीं सुनते हुए उनके ऊपर लाठियाँ बांध दी, उनके परिवार को परेशान किया, महिला औरतों और महिलाओं के वस्त्र तक फाड़े शासन प्रशासन के लोगों ने, है ना। तो इस प्रताड़ना को नहीं झेल पा करके उस परिवार के लोगों ने जहर पिया, है ना, कीटनाशक पिया, जिससे वो आज परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, मतलब उसकी जान को खतरा बना हुआ है ना। तो हम इस मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहते हैं ऐसे शासन प्रशासन के लोगों को, ऐसे शासन प्रशासन के लोगों को तत्काल निलंबन किया जाए। ये असल में जो गुना में घटना हुई है बहुत शर्मनाक, जो पूरे देश में जो थूथू हुई है गुना की, वो उसके खिलाफ ये आज प्रदर्शन आंदोलन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है कि गुना शहर के नगर पालिका क्षेत्र के जगनपुर चक पर जो दलित की जो कृषि भूमि थी उसमें लहला की फसल को नष्ट किया गया। एक्चुअली में ये ज्ञापन नहीं है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव मेरा द्वारा, मनोहर द्वारा ये आवेदन है जो परसों के दिन जो ये घटना घटी है। आज चूंकि आप ही मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एकदम ये याकायक पता चला कि किस प्रकार से जिला प्रशासन ने यहाँ बर्बरता की है, कलेक्टर और SP का तबादला किया जाना इस समस्या का हल नहीं है या इस अपराध का बदला नहीं है। इस बात के साथ कि कम्युनिस्ट पार्टी आ जाइए कि आपने जो यहाँ पर तहसीलदार हैं निर्मल राठौर, उसके नेतृत्व में PWD का एक अधिकारी, प्रिंसिपल 23 पटवारी और 20 पुलिसकर्मी, जिन्होंने वहां जाकर के अचानक बिना सूचना करे वहां जाकर के उनके ऊपर एक राय होकर के हमला किया
उस परिवार के ऊपर उनके साथ बेइज्जती से पेश आए, दुर्व्यवहार जानवरों की तरह किया, मारपीट की, बच्चों को तक नहीं छोड़ा इन्होंने, महिलाओं के ब्लाउज फाड़ दिए गए। क्या ये नीति नैतिकता है? क्या ये संविधान है? क्या ये कानून है? हम ये पूछना चाहते हैं। इसलिए आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अजाक्स थाने में यहाँ पे माननीय शर्मा जी को एक आवेदन दिया है इस मांग के साथ कि आप इन राठौर तहसीलदार और अन्य 45 लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट में और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में आपराधिक पंजीकृत मामला करें, अन्यथा अगर ये नहीं किया गया तो हम थाने का घेराव अगले 4 दिन का अल्टीमेट देते हैं, इसके बाद में हम थाने का घेराव करेंगे और SP साहब का भी घेराव करेंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम प्रदेश लेवल तक जितने भी लोग हैं हमारे पार्टी के वो सारे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन करेंगे।